हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आर्मी वाइफ। मैं आपको चने का साग बनाना सिखाऊंगी कि आप चने का साग कैसे बनाएं। देखिए, मैंने चने का साग ले लिया है। थोड़ा लें, ज़्यादा लें, आपको जितना बनाना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है चने का साग। और इसके लिए मैंने, देखिए, लहसुन ली है, जो लहसुन इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रयोग करना चाहिए। और मैंने हींग ली है, हींग लहसुन अच्छा लगता है इसमें ज़्यादा। और दो मिर्च ले ली है। और ये मैंने चने अरहर की दाल ले ली। आप मूंग की दाल में, चने की दाल में, आप कोई भी। देखिए, हमने कुकर ले लिया है और कुकर में ये सरसों का ऑयल डाल दिया है। ज़्यादा मत डालिए, आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं और कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो उसमें डाल सकते हैं। देखिए, हमारा ऑयल गर्म होने लगा है। अब आप इसमें थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने हींग डाल दी है। अब ये हींग गर्म हो रही है एक तरफ से। और इसमें हम लहसुन ऐड करते हैं। ये देखिए, देखिए हमारी लहसुन हो चुकी है। और इसमें अब हम जो दो हरी मिर्च लिए थे ना, वो कट करके डाल देते हैं। देखिए, अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देते हैं, जिससे कि ये इसमें अब दाल पकाएंगे हम। देखिए, मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको पानी के को खौलने देते हैं एक मिनट के लिए। देखिए, ये हमारा पानी खौलने लगा है। अब इसमें हम जो अरहर की दाल थी ना, हम उसको डाल देते हैं। देखिए, मैंने इसमें अरहर की दाल डाल दी है। और इसमें देखिए, देखिए ये हमारी दाल अब पकने लगी है। और इसमें हम दो चम्मच नमक ऐड कर सकते हैं, आपको जितनी आवश्यकता हो। मुझे दो चम्मच की आवश्यकता है, मैंने दो चम्मच ऐड कर दिया है नमक। ये देखिए, दाल हमारी अब पकना शुरू हो गई है। इसके बाद आप कुकर को बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद इसमें ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं, धीमी आंच में आप इसमें दो सीटियां लगा लीजिए। इसके बाद फिर हम मिलते हैं। देखिए, जब तक हमारा कुकर में दाल पक रहा है, ज़्यादा मत पकने दीजिए, थोड़ा, जब तक हम, चलिए ये साग जो चने का है ना, इसको अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने अदरक लहसुन, और अदरक हो गई, लहसुन हो गई, और प्याज हो गई थोड़ा थोड़ा, और हरी मिर्च मैंने इसको देखिए कुचड़ लिया है। और इसमें थोड़ा आटा ऐड करना पड़ता है, जो मैंने देखिए थोड़ा आटा ले लिया है। इसको हम देखिए आपको बता रहे हैं कैसे ऐड करना है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, इस तरह से थोड़ा लीजिएगा, इस तरह से हम इसको डाल देते हैं। देखिए, इसको फिर ऐसे ऐसे करके हम मिला देते हैं। आप आटा नहीं, कोई कोई बेसन भी लेता है। मेरे यहाँ मेरी मम्मी लोग आटा यूज करती हैं, इसलिए आटा हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा। और आप बेसन भी यूज कर सकती हैं, आपको जो पसंद हो। आप एक बार आटा यूज करके देखिए, फिर एक बार बेसन, आपको जो अच्छा लगे। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा आटा मिलाया है, ज़रा सा, आप ज़्यादा मत मिलाइए, थोड़ा सा मिला दीजिए, जिससे कि ये अच्छा बनता है। देखिए, और इसके बाद हमारी दाल अब पक चुकी है। देखिए, हमारी दाल इस तरह पक चुकी है। अब हम इसमें साग को, देखिए हमने साग ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हम साग इसमें डालेंगे, इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम साग को मिक्स कर देते हैं। अब इसको एक मिनट के लिए धीमी बिल्कुल आंच में पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ढकना नहीं है इसको, बिना ढके हुए इसको छोड़ देते हैं। और इसमें हम एक चीज़ और मिलाते हैं, अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट था उसको हम, देखिए, मिला दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मिला हुआ, इसमें ना बहुत अच्छी महक आती है। आप जितना ज़्यादा अदरक लहसुन डालेंगे तो उतनी अच्छी आपकी भाजी बनके तैयार हो जाएगी।
देखिए इसको धीमी आंच में ही पकाइए, नहीं तो आप तेजी आंच में पकाएंगे ना तो इसका फ्लेवर जो ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये येल्लो येल्लो हो जाएगा। इसलिए आप इसको ना एक ध्यान में रखिए कि इसको धीमी आंच में पकाइए और इसको ढकिए नहीं, ढकने से इसका ना भाप के द्वारा इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए हमारा ये पक रहा है, 2 मिनट बाद पक जाएगा, फिर हम आगे की रेसिपी आप देखिए। हमारा साग बन के तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया हुआ है। देखिए अब हम इसमें ये हरी धनिया और थोड़ा नमक पीस लिया है, ये देखिए आप ऊपर से भी डाल सकते हैं बट मैंने पीस के डाला है ना, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मैंने डाल दिया और इसको ज़्यादा मत मिलाइए, नहीं तो ये आपका जो दाल है ना तो वो पूरी तरीके से मिल जाती है, फिर उसका ना टेस्ट नहीं समझ में आता है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, अब इसको हम तड़का लगा देते हैं। चलिए हम तड़का लगा, देखिए हम इसको तड़का लगाने के लिए हमने ये ले लिया है, आपके पास कोई भी चीज़ हो तो फ्राई पैन वगैरह तो ले सकते हैं। धीमी आंच मैंने करके रखी है, ये देखिए अब ये मेरा गरम हो गया है। अब इसमें सरसों का ऑयल थोड़ा सा डाल देते हैं, इतना सा। अब इसको गरम होने देते हैं, देखिए ये गरम हो रहा है, देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसमें हम हींग डाल देंगे, देखिए और इसमें हम देखिए ये हमारा गरम हो चुका है। अब इसको हम इसमें तड़का लगा देते हैं, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। जी देखिए इसमें आप जितना अच्छा तड़का लगाएंगे ना तो आपको उतना अच्छा ही दिखेगा। देखिए कितना अच्छा बन के हमारा तैयार हो चुका है, ये हमारा साग बनके तैयार हो चुका है। आप इसको भरवा मिर्चे के साथ ही खाइए जिससे ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये हमारा साग बनके तैयार हो चुका है, इसको हम लोग गांव की भाषा में भाजी बोलते हैं, आप चने का साग भी बोल सकते हैं, दाल चने का साग बोल सकते हैं। देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।